करीब करीब पद खाली पड़े हैं, और ये पद इसलिए खाली है कि पिछली कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो 2013 में हुई थी उसमें पोस्टें तो इन्होंने बढ़ा दी काम को देखते हुए, और उस काम को देखते हुए इन्होंने ऑफिस भी क्रिएट कर दिए, लेकिन ऑफिस में पोस्ट करने के लिए तुरंत स्टाफ उनको मिला नहीं। काफी दिन से हम लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप एक स्पेशल ड्राइव इनकम टैक्स के लिए चलाइए और इस स्टाफ को भरिए, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जितना स्टाफ ये मांग रहे हैं उतना स्टाफ देने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम स्टाफ आपको देंगे लेकिन उतना स्टाफ नहीं दे पाएंगे जितना आपकी डिमांड है, क्योंकि उनका भी एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के नीचे नहीं जा सकते। हम लोगों ने कई बार डिमांड की कि या तो आप स्पेशल ड्राइव चलाइए या रीजनल रिक्रूटमेंट करिए या आप चीफ कमिश्नर को पावर दे दीजिए कि जितना स्टाफ उसके खाली वो भर ले, लेकिन अभी सीबीडीटी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जिसकी वजह से इतने पद खाली पड़े हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के और ज्वाइंट कमिश्नर के जो पद खाली हैं उसके पीछे दूसरे कारण है। असिस्टेंट कमिश्नर में यूपीएससी ने एक लिमिट से ज्यादा देने से मना कर दिया है कि हम भी अपने स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करेंगे, इससे ज्यादा हम डायरेक्ट रिक्रूट आपको नहीं दे सकते। और जो प्रमोशन के पद है उन प्रमोशन के पद में हमारी डीपीसी दो डीपीसी पेंडिंग है और करीब करीब 400 लोगों का प्रमोशन उसमें हो सकता है। वो 400 लोगों का प्रमोशन केवल इस वजह नहीं हो रहा कि बोर्ड इसमें सीरियस नहीं है। बोर्ड सीरियसली अगर चाहे और पीएम और एफएम इस पर इंटरव्यू करें तो हम लोगों का प्रमोशन तुरंत हो सकता है, लेकिन प्रमोशन की वजह से ये पद भी खाली है। अच्छा, अभी समस्या क्या आएगी कि ये जो डिमोनिटाइजेशन है इसके बाद जब इन्फॉर्मेशन आएगी वो बल्क में इन्फॉर्मेशन आएगी। ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि 30 दिसंबर तक जितना पैसा जमा होगा 8 नवंबर और 30 दिसंबर के बीच में